नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 21,500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में रफ्तार बरकरार है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 1385 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 21,558 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे अधिक पटना में 378, अरवल में 15, औरंगाबाद में 2, बांका में 15, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 55, भोजपुर में 54, बक्सर में 22, दरभंगा में 22, गया में 42, गोपालगंज में 18, जमुई में 59, जहानाबाद में 23, कैमूर में 7, कटिहार में 8, खगड़िया में 21, किशनगंज में 14, लखीसराय में 45, मधेपुरा में 14, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 93, नवादा में 15, पूर्वी चंपारण में 37, पश्चिम चंपारण में 53, पूर्णिया में 24, रोहतास में 6, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 31, सारण में 38, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सिवान में 63, सुपौल में 16, वैशाली में 30 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 14,101 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 167 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के 14 जंक्शन पर 300 रेल कोच को बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड। कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार के 14 जंक्शन पर 300 रेल कोच में आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मरीजों के लिए अस्पताल में जगह नहीं बच रही है और यही कारण है कि 14 जंक्शन पर रेलवे आइसोलेशन वार्ड के लिए 20-20 कोच खड़े कर रही है। रेल मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कोच देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एसी कोच में चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ के रहने की भी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, ताकि मेडिकल स्टाफ भी मरीज के इलाज के दौरान आइसोलेटेड रहें। बंद के दौरान पटना हाईकोर्ट में 23 जुलाई तक नो एंट्री। बिहार में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर पूरे राज्य में बीते दिन से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद करने का फैसला सुनाया गया है। वहीं पटना हाईकोर्ट में भी अब स्टाफ सहित अन्य लोगों को 23 जुलाई तक आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के लिए नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट परिसर में प्रवेश कुछ अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही सीमित रहेगा और स्टाफ सहित अन्य लोगों को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में की गई प्लाज्मा डोनेशन की अपील। बिहार में बेकाबू हो रहे कोविड-19 के मामलों ने आम नागरिकों के साथ साथ सरकार की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है और यही कारण है कि लोगों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्लाज्मा डोनेशन के लिए सभी लोगों से अपील की गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सम्मान देने की बात कही है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को कोविड-19 योद्धा का प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ थैंक यू कार्ड और साल भर के अंदर उनके परिवार के लिए कभी भी चिकित्सक सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही गई है। मनिहारी साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर 1900 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी पुल। बिहार और झारखंड के बीच सफर करना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में कटिहार के मनिहार और झारखंड के साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर 1900 करोड़ की लागत से 4 लेन पुल को बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया है कि बिहार के लिए घोषित पीएम पैकेज में शामिल इस पुल का निर्माण कराने की घोषणा हुई है। पुल निर्माण का काम 3 सालों में पूरा हो जाएगा। हालांकि फिलहाल सभी गाड़ियां भागलपुर से विक्रमशिला सेतु होते हुए अपना सफर तय करती हैं। सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा में किसान की बेटी बॉबी प्रशांत बनी बिहार झारखंड टॉपर। पूर्णिया के भवानीपुर की रहने वाली बॉबी प्रशांत सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 99.2% अंक लाकर बिहार और झारखंड में टॉपर बन गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बॉबी प्रशांत के पिता एक किसान है। वहीं बॉबी ने सीबीएसई की 10वीं में कुल मिलाकर 500 अंकों में से 496 अंक प्राप्त किए हैं, जिसके बाद पूरे देश में उसने 4था रैंक प्राप्त किया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बॉबी ने बताया है कि वो आगे चलकर IAS अफसर बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। बीते दिन पटना के कई इलाकों में मिले कोविड-19 मरीज के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े। राजधानी पटना बिहार में धीरे धीरे करके हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। वहीं बीते दिन के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही साबित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन राजधानी पटना में 378 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जो कि 24 घंटे में मिलने वाले सबसे सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही पटना के नए इलाके में नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कंटेनमेंट जोन के इलाके में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद राजधानी पटना में प्रभावितों की कुल संख्या 2879 पर पहुंच गई है, जिसकी पुष्टि पटना के DM कुमार रवि ने की है।
रोजगार मुहैया करवाने के लिए अखिलेश कुमार मिश्रा ने 106 फैक्ट्री लगाने का किया दावा। बिहार सरकार के सामने रोजगार मुहैया करवाना फिलहाल एक चुनौती बनकर उभरी है। वहीं आदर्श भारत चेतना सेवा संघ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने कोविड-19 के इस माहौल में बिहार वापस आए मजदूर, छात्र और किसान को रोजगार देने के लिए प्रदेश में 106 फैक्ट्री लगाने का दावा किया है। इसके लिए उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है और साफ तौर पर विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबका दिल अभी दहल चुका है, इसलिए रोजगार मुहैया करवाने की प्लानिंग हम लगातार कर रहे हैं। 100 से ज्यादा फैक्ट्री बिहार में लगाने का फैसला ले लिया है। जल जीवन हरियाली पर नीतीश सरकार करेगी केंद्रीय राशि को खर्च। सरकार जल जीवन हरियाली मुहिम को भी सफल बनाने में लगी हुई है और यही कारण है कि अब नीतीश सरकार जल जीवन हरियाली अभियान पर केंद्र सरकार की तरफ से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशि को खर्च करने वाली है। इतना ही नहीं, केंद्र की यह राशि राज्य सरकार साथ निश्चित की योजना में भी खर्च करेगी। ऐसे में पंचायती राज संस्थान को मिले 15,179 करोड़ की राशि का इस्तेमाल जल जीवन हरियाली मुहिम को सफल बनाने में किया जाएगा। गुवाहाटी से दिल्ली जा रहे सोने के कंसाइनमेंट का पटना में हुआ खुलासा। गुवाहाटी से दिल्ली जा रहे सोने के कंसाइनमेंट को पटना में पकड़ लिया गया है। DRI की टीम ने जब पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर छानबीन की तो दो लोग इस मामले में पकड़े गए हैं, जिनके पास से 4 किलो सोना बरामद किया गया है। पाए गए सोने का बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोना अंडरगारमेंट के अंदर से मिला है। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल के हैंड में भी सोने के बिस्किट को छुपाया गया था, जिसके बाद दोनों लोगों से पूछताछ के लिए सीधा पुलिस अपने साथ ले गई है। बिहार में 5 IAS अधिकारियों का किया गया तबादला। बिहार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिन भी बिहार में IAS अधिकारी का तबादला हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 5 IAS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। IAS संजय कुमार सिंह को लखीसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। वहीं प्रदीप कुमार झा को बिहार सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। सुश्री रंजीता और गोपाल मीणा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग के पद पर ट्रांसफर किए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सुब्रमण्यम स्वामी ने CBI जांच के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में CBI जांच के लिए गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। वहीं अब बीते दिन भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से CBI जांच की मांग की है। स्वामी ने अपने द्वारा लिखे गए पत्र में कहा है कि दुबई से जुड़े बॉलीवुड माफिया इस मामले में शामिल हो सकते हैं, वैसे ये मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस मामले की CBI जांच करवाए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। लालू प्रसाद यादव ने कोविड-19 के बेकाबू बढ़ रहे मामलों पर किया ट्वीट। विपक्षी दल लगातार कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों पर सरकार का घेराव करती नजर आई है। वहीं बीते दिन तेज प्रताप यादव के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी डॉक्टर के कोविड-19 सेंटर जा रहे वीडियो को शेयर किया है, जिसमें ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, 15 वर्षों के सुशासन कथित विकास के प्रचार के बोझ तले इतना दब गया है कि कर्तव्य परायण डॉक्टर साहब को ठेले में लादकर कोविड केयर सेंटर जाना पड़ रहा है। सुशासन को खुद ही केयर सेंटर की जरूरत है। विज्ञापन का हजारों करोड़ों मूलभूत सुविधाओं में लगाते तो यह देखने को नहीं मिलता। सत्तर घाट पुल के टूटने की खबर को बताया गया झूठ। पहले 70 घाट पुल के ध्वस्त होने की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पुष्पम प्रिया चौधरी समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद बीते दिन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया है कि 70 घाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर में एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल का पहुंच पथ कट गया है। यह छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर अवस्थित है। 70 घाट पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके बाद IPRDA विभाग की तरफ से भी 70 घाट पुल की वीडियो जारी कर दी गई है, जिसमें पुल के टूटने की खबर को झूठ बताया गया है। वहीं मीडिया में पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर बिल्कुल भी गलत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बस मनगढ़ंत कहानी बनाने में लगे हुए हैं, ये बातें नंदकिशोर यादव ने खुद कही हैं। आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाने के साथ 20,000 कोरोना टेस्ट करने का दिया गया निर्देश। कोविड-19 के इस माहौल में सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार ने कोविड-19 के रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे काम की जानकारी दी है, जिसके तहत सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही हर दिन 10,000 टेस्टिंग के प्रतिदिन का लक्ष्य भी पूरा हो चुका है और अब टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाते हुए प्रतिदिन 20,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाए जाने की बात कही गई है।
बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिहार के संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा का जन्म 6 अक्टूबर 1963 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। संजय मिश्रा ने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी कला को बखूबी दिखाया। संजय मिश्रा ने पहली बार 1995 में ओ माई डार्लिंग यह इंडिया में काम करके अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। बाद में 1996 में राजकुमार तो वहीं 1998 में सत्या जैसी फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला था। वहीं साल 2015 में उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था और यह अवार्ड उन्हें आंखों देखी फिल्म में उनके अभिनय के लिए मिला था। संजय मिश्रा ने अपनी पढ़ाई वाराणसी से पूरी की है। वहीं मिश्रा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई के बाद ज्वाइन किया था, जिसके बाद वो 1989 में वहां से पास होकर निकल गए थे। उसके बाद ही उन्होंने फिल्मों में काम करने की ठानी थी। बीपीएससी की 64वीं मुख्य परीक्षा के नतीजे हुए जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता के रिजल्ट को जारी कर दिया है, जिसके तहत 1465 पदों के लिए साक्षात्कार में शामिल होने के लिए 3,799 अभ्यर्थी पास घोषित कर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तारीख बाद में जारी की जाएगी। आपको बता दें, रिजल्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के कुल 24 विभाग में नियुक्ति करवाई जाएगी। बिहार के विभिन्न जिलों में सोयाबीन से दूध और पनीर बनाने के उद्योग को प्रोत्साहित करने का लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए आए दिन में संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोयाबीन से दूध और पनीर बनाने के उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। फिलहाल इस उद्योग की शुरुआत मुंगेर जिले से होगी, बाद में अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किए जाने पर चर्चा हुई है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग से दूसरे राज्यों से लौटे कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा और वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक बार फिर से 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद बीते दिन लॉकडाउन का असर सड़कों पर साफ साफ देखने को मिला। जहां कोविड-19 के माहौल में भी सड़कें गुलजार नजर आई थी, तो वहीं बीते दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ राजधानी पटना में ही नहीं बल्कि सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया में भी लॉकडाउन का असर बखूबी देखने को मिला। इन सभी जिलों में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल कम दिखी। वहीं बाजार में भी आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर कुछ खास नहीं देखा गया। पटना एम्स में कोविड-19 के वैक्सीन का पहला डोज दिया गया 30 साल के युवक को। बीते दिन राजधानी पटना के एम्स अस्पताल में कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद पहले चरण में सबसे पहले 30 साल के युवक पर ट्रायल किया गया है। 2 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी के बाद युवक को घर जाने की अनुमति दे दी गई है, जिसके 1 हफ्ते के बाद फिर से युवक को चेकअप के लिए अस्पताल बुलाए जाने की बात कही गई है। अगले 14 दिन के बाद युवक को फिर से वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते 2 दिनों में 8 लोगों पर कोविड-19 वैक्सीन का प्रयोग किया जा चुका है। 15 जुलाई को एक व्यक्ति को पहला वैक्सीन डोज दिया गया था। गुरुवार को 7 लोगों में मानवीय परीक्षण किया गया है, जिसकी पुष्टि एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीएम सिंह ने की है। सुशील कुमार मोदी ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा देने की बात कही है, जिसके बाद भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसका स्वागत किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से कांग्रेस और राजद के बूथ कब्जे के इरादे कामयाब नहीं होंगे। राजद और कांग्रेस इस सुविधा का दुरुपयोग करने वाले थे, क्योंकि उनका बूथ कैप्चरिंग का इतिहास रहा है। बिहार में लॉकडाउन की व्यवस्था पर हेमंत सोरेन ने उठाया सवाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार में जारी लॉकडाउन की व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन प्रोजेक्ट भवन में संक्रमण के बढ़ते हालात पर बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोविड-19 जांच का दायरा हमने बढ़ाया है। पहले सीमित दायरे में जांच हो रही थी, आज हर जिले में जांच करवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के झारखंड आ रहे लोगों पर भी सवाल उठाया है। बिहार में लॉकडाउन है तो वहां से लोग झारखंड कैसे आ रहे हैं? वहां से गतिविधियां क्यों नहीं रुकी हैं और अभी भी बेहतर प्रबंधन की सख्त जरूरत है। भाजपा ने झूठ फैलाने के लिए विपक्षी सरकार से माफी मांगने की कही बात। गोपालगंज जिला स्थित 70 घाट पुल के ध्वस्त होने की खबर पर राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है, जहां पर विपक्षी दल लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि बीते दिन जब 70 घाट पुल के ध्वस्त होने की खबर गलत साबित हुई, तो इसके बाद भाजपा ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर पूरी तरह से माफी मांगने का दबाव बनाया है। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर रणनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने 1.4 किलोमीटर लंबी 70 घाट पुल के टूटने की अफवाह फैलाई है, जबकि हकीकत है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है।
भारतीय टीम के पूर्व कोच गैरी कस्टर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बताई अहम बात। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम के कोच रहे गैरी कस्टर ने बीच की दोस्ती हर किसी को पता है। दोनों ने भारत को 28 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं गैरी आज भी खुद को धोनी का सबसे बड़ा प्रशंसक मानते हैं और उनका कहना है कि इस पूर्व भारतीय कप्तान ने हमेशा उन्हें अपनेपन का एहसास कराया है, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने एक वाक्य को भी याद किया जिसमें उन्होंने बताया है कि धोनी ने एक पूरी ट्रिप को इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसमें गैरी को जाने की इजाजत नहीं थी। एयरटेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से 3 महीने तक होगी फ्री में बात। देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी भारतीय एयरटेल ने अमेरिका के दिग्गज दूरसंचार कंपनी वेरिजोन के साथ भागीदारी करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म एयरटेल ब्लू जीन्स को पेश किया है। अधिकारियों के माने तो एयरटेल का यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को कड़ा मुकाबला दे सकता है। भारतीय एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल बिट्ठल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। इसके तहत उन्होंने कहा कि एयरटेल ब्लू जीन्स एक संरक्षित और सुरक्षित मंच है और हम अंतिम उपयोगकर्ता के निजात के लिए प्रतिबद्ध है। इस मंच पर 50,000 लोग जुड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि यूजर के शुरुआती समय में 3 महीने तक फ्री में यह सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजय कुमार, मनीष कुमार, चंदन कुमार, दिनेश कुमार, शंभू मंडल, मोहम्मद रौफ आलम, कुंदन यादव, नितेश कुमार, खुशी कुमारी, राहुल कुमार, नकुल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। पूरे बिहार में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू करने के बाद आपके अपने इलाके में लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।